परमाणु sp2 संकृत होते हैं। बेंजीन में सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है, बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है, बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ इज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.39 एंगस्ट्रॉम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.39 एंगस्ट्रॉम, कार्बन द्विबंध कार्बन, कार्बन द्विबंध कार्बन की बंद लंबाई, की बंद लंबाई का मान 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.09 एंगस्ट्रॉम, इज 1.09 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन बंद लंबाई का मान, कार्बन हाइड्रोजन बंद लंबाई का मान 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट मेंशन करना, रेजोनेंस एनर्जी इज, रेजोनेंस एनर्जी इज 36 किलो कैलोरी पर मोल, रेजोनेंस एनर्जी इज 36 किलो कैलोरी पर मोल, अनुनादी ऊर्जा का मान, अनुनादी ऊर्जा का मान 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है, अनुनादी ऊर्जा का मान 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है यार, मज़ा नहीं है।
एस पी टू ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर। मॉडल जो थ्योरी लिखा है वो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया है, बना लीजिए भैया इसको। आगे बात सुन, आप लोगों को थ्योरी में जो बताया है वो कब वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट लिखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट मेंशन करना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की अनुनादी संरचना। आपको पता है अनुनाद को इस साइन से ड्रॉ किया जाता है। ये इसके स्ट्रक्चर हो सकती है, ये अनुनादी संरचना है, तो इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बन सकता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकता है। यानी कि ये तुम्हारे पास में क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। बन लो भैया इसको, चलिए अपन आगे। नेक्स्ट मेंशन करना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आई वाज सबसे पहले हम इसकी लोकेलाइज स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी लोकेलाइज स्ट्रक्चर। लोकेलाइज स्ट्रक्चर, स्थानीकृत संरचना देखेंगे जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा हो। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो देखना कैसे बनेगी, एक बार मैं बना देता हूँ आप लोगों के सामने। तो मार्कर में ये दिक्कत हो जाती है कि जो लाइन जिस तरीके से बनाना चाहे ना आदमी, उस तरीके से बन नहीं पाती है। भाई SP2 है तो ये इनके पास में ये असंकृत कक्षक होंगे कि नहीं होंगे, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे कि नहीं होंगे, यस होंगे ही होंगे। तो मान लीजिए तुम्हारे पास में ये और ये है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बननी चाहिए फिर? तो बना लो इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। बना लिया यहाँ तक का। चले अपन आगे एक बार इसको बना लो। बना लिए हैं अब देखते हैं अपन इसकी डी लोकलाइज स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये तो लोकलाइज स्ट्रक्चर थी, डी लोकलाइज स्ट्रक्चर की बात करेंगे। डी लोकलाइज स्ट्रक्चर की बात करेंगे डीलोकलाइजेशन में क्या होगा भैया? कंप्लीट में डीलोकलाइजेशन हो ही रहा है, दैट मीन्स आप ऊपर ऊपर से बनाते चलना, ऊपर ऊपर वाले सेंटर मिला दो आप,
आज मुझे रेड पेन की और ज़रूरत महसूस हो रही है। चलो कोई नहीं, ये नीचे वाला है उसको डैश डैश से मिला लीजिए ताकि अपने को इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये लो भैया, ये बना लीजिए, ये डी लोकलाइज स्ट्रक्चर इसकी बना हुआ यहाँ तक का। बना लिया यहाँ तक, इसके बाद में तो हम बात करेंगे कि इसके ऊपर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे। पहले तो इसको बना लीजिए आप लोग। चलिए अपन आगे, नेक्स्ट मेंशन करना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेंशन करना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इसमें फर्स्ट लिखना फ्रॉम इथाइलीन या फ्रॉम एसिटाइलीन, फ्रॉम एसिटाइलीन फर्स्ट मेंशन करना फ्रॉम एसिटाइलीन। कौन है एसिटाइलिन? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फ्रॉम एसिटाइलिन। लिखना है इसमें व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट ट्यूब then benzene is formed। जब एसिटिलीन को लाल रक्त तप्त नलिका से निकाला जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है, तो बेंजीन का निर्माण होता है। सेकंड लिखना फ्रॉम सोडियम बेंजीनोइड। फ्रॉम सोडियम बेंजोइड, ठीक है भाई। लिखना व्हेन सोडियम बेंजोइड रिएक्ट विथ सोडा लाइम देन बेंजीन विल बी फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना
जब सोडियम बेंजोइट की अभिक्रिया अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाई जाती है तो बेंजीन का निर्माण होता है, तो बेंजीन का निर्माण होता है, तो बेंजीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखना फ्रोम फिनोल, फ्रोम फिनोल, फ्रोम फिनोल लिखना। व्हेन फिनोल रिएक्ट विथ जेड एंड डस्ट, रिएक्ट विथ जेड एंड डस्ट, देन बेंजीन विल बी फॉर्म, देन बेंजीन विल बी फॉर्म। फिनोल से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट मेंशन करना फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम लवण के द्वारा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना बेंजीन डाइजोनियम लवण के द्वारा। लिखना व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ एसएनसीएल टू, रिएक्ट विथ एसएनसीएल टू इन द प्रजेंस ऑफ NaOH, देन बेंजीन आर फॉर्म बाई द रिडक्शन, बेंजीन आर फॉर्म बाई रिडक्शन। बना लीजिए इसको। बेंजीन बना लीजिए, क्यों इतना याद रखते हो। नेक्स्ट मेंशन करना इसकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। मेंशन करना केमिकल रिएक्शन, लिखना रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें लिखना बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन, बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया के साथ साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया के साथ साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं। फर्स्ट मेंशन करना एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया,
योगात्मक अभिक्रिया, और इसमें लिखना रिएक्शन विद मेटल कैटलिस्ट, रिएक्शन विद एस टू, रिएक्शन विद एस टू इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, रिएक्शन विद एस टू इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, रिएक्शन विद एस टू इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेना चाहिए, रिएक्शन विद एस टू लिखना है इसमें। When benzene react with H2 in the presence of metal catalyst, then cyclohexane will be formed. कहने का मतलब क्या बन रहा है, ये हमारे पास में बेंजीन है और इस बेंजीन की रिएक्शन आप लोगों ने करवाई किसके साथ में, निकिल प्लेटिनम प्लेडिनम और एच टू के साथ में, तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। ये बना लेना, दोनों मीडियम वाले बना लेना भैया, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेना। जब बेंजीन की अभिक्रिया एच टू के साथ धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में एच टू के साथ करवाई जाती है, धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ करवाई जाती है, तो साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होता है, साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, बना लो नेक्स्ट मेंशन, रिएक्शन विद Cl2 फोटोकेमिकल, रिएक्शन विद Cl2 फोटोकेमिकल लिखना। When reaction of Cl2 with Cl2 in the presence of sunlight, then benzene hexachloride will be formed। अरे बात समझ में, देखिए क्या बनेगा इसके अंदर, ये इम्पोर्टेंट है, ये बाद में और करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ये जो तुम्हारे पास में बेंजीन है, इसकी रिएक्शन यदि तुमने 3Cl2 और फोटो, तीन मोल कंज्यूम होंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर भी Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। इसे बोलेंगे बेंजीन हेक्साक्लोरो, BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आई बात समझ, लिख लेना इसको, BSC बोलेंगे, एग्जाम में पूछ भी लेता है BSC के बारे में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बाद में और डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन लिखना। When benzene undergoes ozonolysis reaction, then glyoxal will be formed. Then glyoxal will be formed. देखो भाई क्या बात कह रहा है इसके अंदर, बात को समझना। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को समझाया था तरीका,
तरीका क्या समझाया था कि एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर ये टूटेगा ऐसे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन ये ऐसे टूटेगा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। तो आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर एक एक पार्ट बाहर निकल पा रहा है। आपने रिएक्शन किसके साथ में करवाई, ओजोनोलाइसिस O3CH2Cl2ZnH2 के साथ में करवाई। आप देखो ऐसे तीन मोल बाहर निकल रहे हैं क्या, कौन कि CH डबल बॉन्ड O यही तो निकल रहे हैं ऐसे CH डबल बॉन्ड O। ये कितने बन रहे हैं, 3 मोल बना लो ये रिएक्शन। बना लो आ गई यहाँ तक की बात समझ में। नेक्स्ट रिएक्शन लेके रिएक्शन विथ सोडियम NH3 लिक्विड। रिएक्शन विथ सोडियम NH3 लिक्विड, ठीक है भाई लिखना इसमें, when benzene react with sodium and liquid NH3 in the presence of alcohol, then this reaction known as Birch reduction. लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज 1,4-addition हेयर 1,4, 1,4 hexadiene R form। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम व द्रव NH3 के साथ करवाई जाती है तो इस अभिक्रिया को बर्च अपचयन के नाम से जाना जाता है। इसे 1,4 योगात्मक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस अभिक्रिया में 1,4 hexadiene का निर्माण होता है, 1,4 cyclohexadiene का निर्माण होता है।
लिखना एक बार इसको, फिर इसके मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। लिखिए मैकेनिज्म, क्रियाविधि की बात करेंगे फिर क्या होगा यहाँ पर। ये बेंजीन है, यदि ये सोडियम यहाँ पर आ रहा है दैट मीन्स क्या होगा एक्चुअलिटी में, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये जो सोडियम होगा ना ये किस में कन्वर्ट हो जाए, एन ए प्लस में। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेशन दे दिया होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चलेगी, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये मोर स्टेबल है। ये लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन होगा भैया, ये क्या है पूरी की पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जो मोर स्टेबल है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये आर ओ एच क्या करेगा प्रोटॉन डोनर का, इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये प्रोटॉन डोनेट किया तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था ही। फिर सोडियम क्या करेगा, सोडियम एन ए प्लस में कन्वर्ट होगा, जिससे तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर आर ओ एच होगा, प्रोटोन देगा यहाँ पर, हम्म,
बना लो भैया इसको। बना लिए यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन करना एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तुम लोगों को पता है कि ये जो बेंजीन है वो हमारे को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन देगी। कंपाउंड एरोमेटिक है इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का ही तो एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का ही सब्स्टिट्यूशन होगा। तो लिखिए इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड डज नॉट गिव्स एडिशन रिएक्शन बिकॉज एडिशन रिएक्शन डिस्ट्रॉय एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, एरोमेटिक यौगिक योगात्मक अभिक्रिया, ये सॉरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं परंतु योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा कर क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया देने से इनकी एरोमेटिकता खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। देखिए रिएक्शन, ये बेंजीन है, ये ईएनयू कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है।
यहाँ पर क्या जुड़ गया, ई जुड़ गया, एच प्लस निकल रहा है, ई प्लस जुड़ रहा है यहाँ पर। बनाओ इसको, फिर देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे का मतलब उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्रियाविधि। और इसमें फर्स्ट लिखना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट लिखना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल समझाऊँ आप लोगों को, जैसे ये Cl2 है और इसकी रिएक्शन आप करवाते हो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, तो ये तो क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। ये En, दैट मीन्स यहाँ पर क्या जुड़ता है, Cl पॉजिटिव प्लस क्या भैया AlCl4 माइनस, यही तो बनता है। ये एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ, एक बार तो इसको बनेगी। लिख लिया। नेक्स्ट लिखना फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का निर्माण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना मध्यवर्ती का निर्माण, मध्यवर्ती का निर्माण, मध्यवर्ती का निर्माण। स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, मध्यवर्ती का निर्माण। ठीक है, अब इसमें देखेंगे रेजोनेंस।
ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनका एक हाइब्रिड में बना दूं इनका एक अपन हाइब्रिड बना दें जिसमें आप लोगों को पता है इसमें पॉजिटिव पर कंप्लीटली मूव नहीं कर रहा है, इसे बोलेंगे हम क्या भैया, ये जो बन रहा है इसे बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड और बोलेंगे इसको एरेनियम आयन और बोलेंगे इसको कार्बेनियम आयन। एरेनियम आयन हो जाएगा, ये कार्बोनियम आयन हो जाएगा, कार्बोनियम आयन हो जाएगा ये, और बोलेंगे इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। जितने भी नाम है ये याद कर लेना भैया, एरेनियम कार्बेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इसी को बोलते हैं व्हीलैंड इंटरमीडिएट, व्हीलैंड इंटरमीडिएट, व्हीलैंड इंटरमीडिएट बना लो भैया इसको, यहाँ तक बनाइए व्हीलैंड इंटरमीडिएट। वील एंड इंटरमीडिएट बना दो भैया, बना लिए यहां तक। फिर लिखना सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटॉन, वीडियो पॉज करना और बना लेना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का प्रतिस्थापन, थर्ड स्टेप है सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का प्रतिस्थापन। यही तो था तुम्हारे पास में, फास्ट होगी रिएक्शन। ये लो ये यहाँ तक बना लीजिए।
नेक्स्ट मेंशन करना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऊर्जा आरेख मेंशन करना ऊर्जा आरेख, ये है पोटेंशियल एनर्जी और इधर हो रही रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है भाई, यहाँ पर सेम एनर्जी के दो क्या होनी चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए सेम एनर्जी की, और फिर एनर्जी रिलीज हो जानी चाहिए। यहाँ क्या है, ये जो बेंजीन है इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनेगी और इस स्टेप में होगा क्या, यहाँ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ये तुम्हारे पास में ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट होगी, फिर इंटरमीडिएट बनेगा दैट मीन्स ये पॉजिटिव यहाँ H और ये E, यानी कि ये इंटरमीडिएट है, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बनी, और इस सेकंड के अंदर क्या होगा कि ये बॉन्ड तो टूट ही जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बनेगा ही यहाँ, और फाइनली तुम्हारे पास में यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके अंदर क्या बन रहा है, ये लो ये ई जुड़ रहा है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, बना लीजिए इसको फटाफट। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसके बाद में हम रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन रही है, दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या भाई टू, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दोनों बॉन्ड क्या है, एक बार ब्रेक से हुई, फिर ये इंटरमीडिएट बना, दैट मीन्स क्या है, ये हमने इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर देखी थी, फिर ट्रांजिशन स्टेट टू से ये तुम्हारे पास में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या है रिएक्टेंट है, वो क्या है प्रोडक्ट है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लो, बना लीजिए इसको, मेंशन कर लेना ये रिएक्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट,